बिहार के सीतामढ़ी में सदर अस्पताल में हुआ सफल ड्राई रन, N95 मास्क वितरण का डीएम ने किया शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत का लोकतंत्र दुनिया में सबसे जीवंत, आत्मनिर्भर भारत के सपने पर की चर्चा। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में मुख्य विकास अधिकारी ने किया पार्क का उद्घाटन, पार्क की अनुमानित लागत 13 लाख रुपए। नमस्कार, मैं शाहीन, आप देख रहे हैं IBN भारत और अब खबरें विस्तार से। यूपी के उज्जैन जिला प्रशासन ने चाइना डोर बेचने वाले दुकानदारों पर सख्ती करनी शुरू कर दी है। उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने कोटी पैलेस पर जानकारी देते हुए बताया कि उज्जैन की कई दुकानों पर चाइना डोर बेची जा रही है। चाइना डोर बेचने वालों पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी, साथ ही उन पर रासुका लगाया जाएगा। चाइना डोर को प्रतिबंधित करते हुए धारा 144 से संबंधित एक आदेश मैंने पिछले 15-20 दिनों पहले निकाला था। कल एक अच्छी कार्रवाई हुई है, जिसमें कि जो सूचना मिली थी चाइना डोर के संग्रहण की, उस पर दबिश देकर हम लोगों ने उसको पकड़ा भी है। उनके खिलाफ FIR की कार्रवाई करी जाएगी, क्योंकि धारा 188 में पूरी तरीके से ये एक अपराध की श्रेणी में आता है धारा 144 के कारण। प्लस अगर हम लोग देखते हैं, अगर उनके खिलाफ अन्य भी अपराध हैं या फिर और भी अगर इस प्रकार की उनके पास से भंडार निकलता है, तो निश्चित रूप से रासुका के बारे में भी हम लोग इस संबंध में विचार करें। यूपी के बहराइच में बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का जन्मदिन मनाया गया। बाबागंज भारत गैस एजेंसी पर सांसद के समर्थकों ने केक काटा और जन्मदिन मनाया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ब्लॉक नवाबगंज प्रधान संघ अध्यक्ष हरीश वर्मा रहे। सांसद के जन्म दिवस समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि हरीश वर्मा ने कहा कि कैसरगंज लोकसभा के यशस्वी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह एक यशस्वी सांसद होने के साथ साथ भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी हैं। शिक्षा के क्षेत्र में सांसद कैसरगंज का सराहनीय योगदान रहा है। लोकप्रियता के मामले में इनकी छवि एक आदर्श सांसद के रूप में स्थापित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आज नई पीढ़ी भले ही जड़ों से दूर हो गई हो, लेकिन उनका जुड़ाव भारत से बड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस बार कोरोना काल में भारत के लोगों ने शानदार काम किया है और ये लोग आसपास के लोगों के प्रति मददगार दिखे। इस दौरान भारत के लोगों ने सेवा भाव का परिचय दिया है। बता दें कि इस बार प्रवासी भारतीय दिवस का विषय आत्मनिर्भर भारत है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि दुनिया गवाह है कि जब भी भारत के सामर्थ्य को सवालिया निशानों से देखा गया है, तो हर बार भारतीयों ने इसे गलत साबित किया है। जब भारत पराधीन था तो यूरोप में लोग कहते थे कि भारत आजाद नहीं हो सकेगा, लेकिन भारतीयों ने इसे गलत साबित कर दिया। जब भारत आजाद हो गया तो पश्चिम के लोग कहते थे कि इतना गरीब देश एक साथ नहीं रह पाएगा, यहाँ लोकतंत्र का प्रयोग सफलता नहीं हो पाएगा, लेकिन भारत ने इसे भी गलत साबित कर दिया। पीएम मोदी ने प्रवासी भारतीयों से कहा है कि आज भारत का लोकतंत्र सबसे सफल, सबसे जीवंत है। पीएम मोदी ने ये भी कहा कि आज भारत का लोकतंत्र दुनिया में उदाहरण बन गया है। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती विकासखंड इकोना में ग्राम पंचायत लहाड़ी में मुख्य विकास अधिकारी ईशान प्रताप सिंह ने श्री योगेश्वर धाम मनरेगा पार्क का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि मनरेगा पार्क योजना के अंतर्गत बनाया गया है। मुख्य विकास अधिकारी की प्रेरणा से निर्मित कराया गया मनरेगा पार्क, जिसकी अनुमानित लागत 13 लाख रुपए है। इस पार्क में बच्चों के स्वस्थ रहने और खेलने कूदने के लिए देवीपाटन मंडल में प्रथम स्थान पर पाया जाता है। इस पार्क में बच्चों के खेलने के लिए पैदल ट्रैक, झूला स्लाइडर, राउंडिंग झूला, ओपन जिम, योग स्थल भी मौजूद है। यूपी के अंबेडकर नगर में दोहरे हत्याकांड में नामजद आरोपी और पुलिस टीम के बीच मुठभेड़ की बात सामने आई है। यह मुठभेड़ पुलिस ने शुक्रवार रात्रि लगभग 8 बजे शिव पट्टी के पास होने का दावा किया है। पुलिस कप्तान आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि इस मुठभेड़ में आरोपी भरत यादव के पैर में गोली लग गई, जबकि एक सिपाही भी घायल हो गया। भरत यादव और घायल सिपाही को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। दूसरे अपराधी लल्लू पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुठभेड़ में शामिल आरोपियों के पास से 2 तमंचा, कारतूस और बाइक भी बरामद किया गया है। पुलिस अन्य नामजद आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। ग्राम पंचायत की चुनावी रंजिश को लेकर 4 जनवरी को राजे सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के मल्लुपुर मचगवा निवासी दो सगे भाई अनिल मिश्रा व सुरेंद्र मिश्रा को दिन दहाड़े गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था।
और उस वक्त मामले में पुलिस ने आधा दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ कई संगीन धाराओं में नामजद मुकदमा दर्ज किया था। नामजद आरोपियों पर पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित करने का दावा किया था। दोहरे हत्याकांड के दो नामजद आरोपियों व पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ पर कई सवालिया निशान उठ रहे हैं, लेकिन पुलिस फिलहाल सवालों के जवाब देने से कतराती नजर आ रही है। सर, थाना राजसुल्तानपुर में एक मुठभेड़ हुई है, उसके बारे में कुछ बताएं। अभी थोड़ी देर पहले थाना राजसुल्तानपुर में पुलिस मुठभेड़ के बाद दो शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम था। ये दोनों अभियुक्त अभी 4 तारीख को जो निर्मम दोहरा हत्याकांड हुआ था उसमें वांछित थे, उसमें नामजद थे और उसमें वांछित थे। उसमें एक अभियुक्त जो भरत यादव है वो पुलिस की गोली से घायल हुआ है। जब उसने पुलिस पर फायर किया, जवाबी कार्रवाई में वो घायल हुआ है, और जो उसे और जो साथ में कांस्टेबल जिसे गोली लगी, दोनों को जिला अस्पताल उपचार के लिए भेजा गया है। दूसरा अभियुक्त लल्लू पांडे, उसके पास से एक घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद हुई है और उससे पूछताछ की जा रही है। जो घायल अभियुक्त थे उसके पास से 315 बोर का तमंचा और 3-4 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं, और बाकी अभियुक्तों के लिए वहाँ कॉम्बिंग अभी जारी है। सर, थाना यूपी के मथुरा में एक दरोगा की गुंडई सामने आई है, जिसने असलहा बाबू मोहन स्वरूप के साथ न सिर्फ बदसलूकी की बल्कि शस्त्र लाइसेंस ऑफिस के में घुसकर फाइलों और कंप्यूटरों को फेंका। दरोगा पुलिस लाइन में तैनात है। आरोपी दरोगा प्रवीण पर पुलिसकर्मियों के साथ भी मारपीट की और पुलिस की गाड़ी को कागजात निकालकर फाड़ने का भी आरोपी है। यूपी के बरेली में नौकरशाही से सियासत की पिच पर बैटिंग करने उतरे बरेली के इंजीनियर अनीस खान। पिछले दो विधानसभा चुनाव में यूं तो कोई बड़ा स्कोर नहीं बना पाए, लेकिन उन्होंने अभी भी बरेली की सियासी पिच पर बड़ी पारी खेलने की उम्मीद नहीं छोड़ी है। वर्तमान सियासी परिस्थितियों, किसानों से संबंधित तमाम मुद्दों और चुनाव के संदर्भ में उनकी आगामी रणनीति, आईपीएन भारत के बरेली जोन संवाददाता अल्तमश सिद्दीकी से बातचीत की, आप भी सुनिए। उत्तर प्रदेश के चंदौली में बलुआ थाना क्षेत्र के रहने वाले मुंशी सोनकर की हत्या कर पलिया के शाही पोखरे मैदान में फेंक दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस घटना से आक्रोशित होकर सपा विधायक प्रभु नारायण सिंह यादव ने कार्यकर्ताओं संग धरना प्रदर्शन किया। बिहार के समस्तीपुर में एक फ्रॉड फाइनेंस कंपनी ने अधिक ब्याज का लालच देकर लोगों के करोड़ों रुपए हड़प कर फरार हो गई। शहर के पंजाबी कॉलोनी स्थित अनिमास कृषक डेवलपमेंट कंपनी में अधिक ब्याज के लालच में लोगों ने अपने रुपए जमा किए थे। कंपनी ने लोगों से रकम जमा करवाया और उन्हें लूट कर फरार हो गई है। इस मामले की शिकायत लोगों ने नगर थाना में की। लोगों के मुताबिक पंजाबी कॉलोनी स्थित अनिमास कृषक डेवलपमेंट लिमिटेड कंपनी द्वारा बचत खाता एवं फिक्स खाता खुलवा कर करोड़ों रुपए जमा कराए गए हैं। जुटाए हुए हैं, इसमें हम रेंटर रहते हैं 1 साल से जी। मेरा भी रुपया वो रखे हुए हैं, लेकिन लोग बहुत 100 लोग का कम से कम रुपया रखे हुए हैं। आपका कितना रुपया रखे हुए? 25 लाख रुपया धीरे धीरे ले लिए। 25 लाख रुपया आपका? इनसे कोई कांटेक्ट आपका नहीं हुआ? कांटेक्ट नहीं हो रहा है 5 महीना से। 5 महीना से? कितने सालों से आप रेंटर है इसमें? 1 साल से रहते हैं करीब। 1 साल से रहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अमरेंद्र कुमार राय। बाबू मेरी लड़की जो है 20,000 रुपये का परमंथ जमा कर रही थी और उसका मैच्योरिटी पूर गया है। जब भी आते हैं तब तो बैंक बंद रहता है, ना उससे ऑनर से बात होता है, ना किसी से बात होता है। हम लोग त्रस्त हैं, पैसा का जरूरी है, मेरी लड़की का शादी है, क्या करें नहीं करें समझ में नहीं आता। अब लोग हम यहाँ से अब थाना पर जाएंगे, एक लिखित आवेदन देंगे। किस बैंक में जमा किए तो कितने लोग इस ठगी का शिकार हुए? एनिमेस कृषक डेवलप निधि लिमिटेड। कितने लोग ठगी का शिकार हुए? बहुत लोग ठगी का शिकार हुए हैं। कुछ लोग तो यहाँ पर आए हैं, अभी जानकारी होने पर बहुत लोग उपस्थित होंगे। अशोक कुमार, हम सोना ले गया हमसे, कहा कि साला का शादी है, घर से दिखा के लाते हैं। उसके मकान से 200 गज की दूरी पर मेरा दुकान है और आज तक हमसे भेंटे नहीं किया। उसको खोजते खोजते घर जाते हैं, ससुराल जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, मिलता ही नहीं है। किसको खोज रहे हैं? संजय त्यागी, पंजाबी कॉलोनी 1 नंबर गली गली के अंदर उसका मकान है। उसमें नॉन बैंकिंग नहीं चलाता है वो, और नॉन बैंकिंग में भी सारे लोगों का पैसा घप करके सारा भाग गया और जाके ससुराल में जमीन खरीद लिया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश गुप्ता है, पूजा ज्वेलर्स। जुटाए हुए यूपी के संबल में पुलिस ने एक मंदबुद्धि युवती के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में 65 साल के बुजुर्ग को गिरफ्तार कर लिया है।
आपको बता दें कि आरोपी कई महीनों से मंदबुद्धि युवती के साथ दुष्कर्म कर रहा था। मामला तब सामने आया जब पीड़िता गर्भवती हो गई। गर्भवती होने के बाद युवती ने अपने साथ हो रहे दुष्कर्म का खुलासा किया। पीड़िता के चाचा के मुताबिक उनके भाई की 23 साल की बेटी मानसिक तौर पर कमजोर है, जो कि भाई की आर्थिक हालत कमजोर होने की वजह से उनके परिवार के साथ रहती है। पुलिस ने दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार बुजुर्ग शख्स के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। यूपी के सिद्धार्थनगर जिले में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का आगमन हुआ। जिले की सीमा पर पहुंचते ही बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश द्विवेदी के साथ साथ सभी भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष का जमकर स्वागत किया। स्वतंत्र देव सिंह ने लोहिया कला भवन में कार्यकर्ताओं के साथ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर चर्चा की और बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत करने का मंत्र दिया। उपचुनाव इसके पहले हुआ, फिर स्नातक का चुनाव हुआ है और शिक्षक स्नातक का चुनाव होने के बाद अब पंचायत का चुनाव राज्य में आगे होने वाला है। उसके निमित्त राज्य के अंदर जनपदवार प्रदेश माननीय प्रदेश के प्रभारी और प्रदेश के संगठन महामंत्री और प्रदेश के महामंत्री, ये सभी लोग जिले सा जिलेवार प्रवास कर रहे हैं। उसी में मेरा भी सिद्धार्थनगर और उधर महाराजगंज, फिर अयोध्या होगा। उसी के निमित्त आज जिला पंचायत जो वार्ड के सदस्य वार्ड के जो संयोजक बनाए गए हैं, ऐसे मंडल अध्यक्ष मंडल के प्रभारी, ये लोगों की मीटिंग है। आगे पंचायत चुनाव के लेकर क्या तैयारी चल रही है, नीचे कैसा गठन हुआ है, उसकी समीक्षा बैठक उसी के निमित्त आज आए हैं। क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार ने पहली बार जब साधन मोदी जी आए हैं, पंचायत के लिए धन का आवंटन हो चाहे कुछ भी हो, वह इतने बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं, इसलिए कैसे पंचायत आगे हम लोग जीते हैं, इसकी रणनीति आज बना रहे हैं। बिहार के सीतामढ़ी में टीकाकरण के मद्देनजर जिले के 3 चयनित स्थानों सदर अस्पताल, नवजीवन एवं कमला गर्ल्स स्कूल में सफलतापूर्वक जिलाधिकारी की उपस्थिति में ड्राई रन का आयोजन किया गया। ड्राई रन के दौरान टीकाकरण के लिए निर्देशित सभी व्यवस्थाओं का पालन किया गया। ड्राई रन में सिर्फ कोरोना वैक्सीन ही नहीं लगाई गई, बल्कि इसको लेकर सभी स्थानों पर 25-25 लाभार्थी को चिन्हित किया गया था, जिनमें से SMS के माध्यम से स्थान, तिथि एवं समय के संबंध में जानकारी भी दी गई। इतना ही नहीं, 6000 फ्रंटलाइन वर्कर्स के बीच 2 N95 मास्क वितरण का भी DM ने शुभारंभ किया। इस अवसर पर सिविल सर्जन राकेश सिन्हा, DPRO परिमल कुमार के साथ साथ पिरामल स्वास्थ्य रवि रंजन और अन्य लोग भी उपस्थित रहे। जी, आज COVID-19 वैक्सीनेशन के कार्य के लिए आज ड्राई रन किया गया है। इसमें 25 बेनिफिशियरी का आज ड्राई रन में उन्हें सम्मिलित किया गया है और सारे जो प्रोसेस फ्लो होने हैं, वेरिफिकेशन से लेके टीकाकरण, उसके बाद ऑब्जर्वेशन में जो रहना है, उसका आज ट्रायल रन किया जा रहा है, ताकि बिल्कुल सही तरीके से वैक्सीनेशन का कार्य किया जा सके। सीतामढ़ी जिले में बहुत अच्छे तरीके से कोरोना को टैकल किया गया है, इसमें सभी लोगों की सहभागिता रही और ये हर्ष की बात है कि अब हम लोग वैक्सीनेशन मोड में आ गए हैं और जल्द ही सीतामढ़ी वासियों को वैक्सीनेशन प्राप्त होगा। इसमें सबसे पहले जो हेल्थ वर्कर, जो फ्रंटलाइन वर्कर रहते हैं, उनके साथ टीकाकरण की शुरुआत की जाएगी। इसके बाद जो भी वल्नरेबल ग्रुप्स हैं उनके लिए टीकाकरण किया जाएगा, उसके बाद सभी पॉपुलेशन में से रोल डाउन किया जाएगा। इसके लिए सभी स्तर पर निर्देश जारी कर दिया गया है और सभी पदाधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों का भी इसमें सहयोग अपेक्षित है और सभी लोगों से अपेक्षा है कि आप सभी अभी भी कोरोना के जो 3 सूत्र हैं, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग एवं सैनिटाइजेशन करना, इस चीज़ को मत भूलिएगा। और हम सभी कोरोना की लड़ाई में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, ये आखिरी मील है जिसमें हम सभी को मिलकर लड़ना है और हम सभी निश्चित तौर से कोरोना के जंग में विजयी होंगे। आज की खबरों में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।